हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए कैसे ट्रे पर बच्चे की जान परोस दी गई। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल है, इसकी झकझोर देने वाली तस्वीर आई है बिहार के बक्सर से। एक नवजात की मौत ने मानवता को शर्मसार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री का संसदीय क्षेत्र है। 22 जुलाई को बक्सर के राजपुर में कांधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए बच्चे के दादा और ट्रे में बच्चा लिए उसकी बुआ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हुआ यूं कि इस बच्चे की मां को डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां कर्मचारियों ने डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद घर वालों ने एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने पर अस्पताल कर्मियों ने वापस सदर अस्पताल भेज दिया। सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चे के दादा तपेश्वर सिंह ने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाया और बच्चे की बुआ कंचन देवी ने बच्चे को ट्रे में लेकर लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय की और सदर अस्पताल पहुंच गए। लेकिन अस्पताल प्रशासन के कागजी कार्रवाई पूरी करते करते ही बच्चे की मौत हो गई। ऑपरेशन कराए तो बच्चा निकले तो थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है, तो ऑक्सीजन चढ़ाए तो मैंने पूरा सांस चलने लगा तो लेके भागे कि वो जल्द ले जाओ। फिर वो जल्द ले गए तो ऑक्सीजन सही से जाके डॉक्टर विदा खर्चे। ऑक्सीजन लड़का के लगा कर जब ऑपरेशन हुआ तब लड़का जी रहा था प्राइवेट में, तो यहाँ के डॉक्टर जो है ना वो ऑक्सीजन लगा के वहाँ विदा किए। इस लापरवाही के बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने हमेशा की तरह वही रटा रटाया जवाब दिया। मामले का संज्ञान आया है, सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। जिस अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है उस अस्पताल का उद्घाटन देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया था। खास बात यह है कि बक्सर मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। शायद इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा।